नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल एवी बॉक्स ऑफिस में एक बार फिर से। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पांच हीरो के सबसे पहले मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे संजय दत्त सर की, सनी देओल सर जी की, अजय देवगन सर जी की, अक्षय कुमार सर जी की और गोविंदा सर जी की। जी हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ में ऑल नोटिफिकेशन पर भी क्लिक करिए, ताकि हॉलीवुड, टॉलीवुड और बॉलीवुड और गोविंदा सर जी के साथ साथ में सभी हीरोज की हम लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुँचा पाए शुद्ध हिंदी में सबसे पहले। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों अगर सबसे पहले हम बात करें हमारे सबसे पहले हीरो की, यानी संजय बावा की, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इनकी जो पहली फिल्म थी उसका नाम था रॉकी और वह रिलीज हुई थी 7 मई 1987 में। जी हाँ दोस्तों, इस फिल्म ने जो अपना इंडिया का कारोबार करा था वो करा था 1.5 करोड़ रुपए। वहीं पर इस फिल्म ने जो वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करा था वो करा था 6 करोड़ 50 लाख रुपए। दोस्तों इसी के साथ में इनकी फिल्म हिट हुई थी और ये इनके करियर की पहली फिल्म थी। वहीं पर बात कर दोस्तों हमारे दूसरे हीरो की, तो दूसरे हीरो थे दोस्तों सनी देओल जी। जी हाँ दोस्तों, इस फिल्म के जो प्रोड्यूसर थे वो उनके पिताजी यानी धर्मेंद्र सर जी थे। और मैं आपको बताना चाहूँगा क्योंकि उस टाइम पर सनी देओल सर जी उनकी एक्टिंग के साथ साथ उनकी दमदार आवाज़ के लिए भी जाने जाते थे। और मैं आपको बता दूँ कि यह फिल्म 5 अगस्त को रिलीज हुई थी और यह इंडिया के अंदर तकरीबन 6 से 7 करोड़ का कारोबार कर पाई थी। वहीं पर इस फिल्म ने वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करा था 14 करोड़ रुपये का। अब दोस्तों बात करें हम हमारे तीसरे हीरो की, तो तीसरे हीरो में हमको नज़र आ रहे हैं अजय देवगन सर जी। जी हाँ दोस्तों, अजय देवगन सर जी उस टाइम के सबसे स्मार्ट हीरो माने जाते थे और उसके बाद में नंबर आता था अक्षय कुमार जी का। जी हाँ दोस्तों, अजय देवगन सर जी के हेयर स्टाइल की वजह से उनके ऊपर काफ़ी लड़की फिदा भी होती थी। और मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि अजय देवगन काफ़ी स्मार्ट हीरो थे उस टाइम के। उनकी जो सबसे पहली फिल्म थी वो थी फूल और कांटे और वह रिलीज हुई थी 22 नवंबर 1991 में। जी हाँ दोस्तों, इनकी फिल्म ने जो इंडिया का कारोबार करा था वो था 6 करोड़ 50 लाख रुपये। वहीं पे दोस्तों इनकी जो फिल्म थी उन्होंने वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करा था वो करा था 12 करोड़ 50 लाख रुपए। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं हमारे चौथे हीरो और एक्शन से भरे हुए हीरो अक्षय कुमार जी की। जी हाँ दोस्तों, खिलाड़ी हैं ये हमारे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के। जी हाँ दोस्तों, अक्षय कुमार जी की जो सबसे पहली फिल्म थी वो थी सौगंध। और आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि अक्षय कुमार जी का कोई भी फिल्मी बैकग्राउंड नहीं है, यानी कि इनके इंडस्ट्री में कोई भी जान पहचान का नहीं है। इन्होंने जो भी आज हम सबके सामने खड़े हैं वो इनकी मेहनत से ही खड़े हैं। वहीं पर इनकी फिल्म ने जो इंडिया का कारोबार करा था वो तकरीबन करा था 3 करोड़ रुपये और इनकी फिल्म ने जो वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करा था वो करा था 8 करोड़ रुपए। वहीं पे बढ़ते हैं दोस्तों हमारे पांचवें और आखिरी नंबर की तरफ, जिनका नाम है गोविंदा सर जी। जी हाँ दोस्तों, गोविंदा काफी अच्छे एक्टर है और कॉमेडियन एक्टर है। यह हर रूप में ढल जाते हैं, कॉमेडियन के साथ साथ में एक्शन करने भी ढल जाते हैं, प्यार मोहब्बत भी बड़ी अच्छी तरीके से कर लेते हैं। और जी हाँ दोस्तों, जैसे गोविंदा सर जी बॉलीवुड के अंदर घुसे वैसे उनका एक तरफा नाम चलने लगा था। जी हाँ दोस्तों, वहीं पर अगर हम बात करें इनकी फिल्म के बारे में, तो इनकी फिल्म का नाम था सबसे पहला इल्जाम। जी हाँ दोस्तों, फिल्म इल्जाम के साथ में इन्होंने अपना करियर स्टार्ट करा था और इनकी फिल्म 28 फरवरी 1986 में हम सबके बीच में आई थी। वहीं पे बात करें दोस्तों इनकी फिल्म के इंडिया के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो इनकी फिल्म ने इंडिया के ना कारोबार करा था 4 करोड़ का। वहीं पे इनकी फिल्म ने वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करा था 19 करोड़ रुपए का। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि इन सब में से सबसे ज़्यादा अभी तक का जो नेट कलेक्शन है वो है हमारे सनी देओल सर जी का। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि सनी देओल सर जी उस टाइम पर बहुत ज़्यादा फेमस थे और हमारे सनी देओल सर जी के पिताजी यानी धर्मेंद्र सर जी भी उस टाइम पर काफ़ी अच्छे एक्टर थे और उनकी काफ़ी नाम भी चलते थे। तो दोस्तों आपको इन पांचों हीरो में से कौन से हीरो सबसे ज़्यादा अच्छे लगते हैं, संजय दत्त, सनी देओल जी, अजय देवगन जी, अक्षय कुमार जी या फिर गोविंदा जी? प्लीज़ यार हमें कमेंट करके बताएं। और साथ ही साथ में अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ में ऑल नोटिफिकेशन पर भी क्लिक करें। तो दोस्तों मैं अलविदा चाहूँगा आप सभी से अपने अगली वीडियो के लिए। जब तक के लिए ध्यान रखें अपना और अपने माता पिता का। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।